एक मित्र ने लिखा है, पिछली बार अष्टावक्र गीता के जिस सूत्र पे आपने बात की उसमें जनक ने कहा कि जैसे लहर, बुदबुदा, फेन इत्यादि पानी के ही रूप हैं, उसी तरह संसार में जो भी अनुभव में आ रहा है वो सब चेतना का ही अलग अलग रूप है। ऐसे में हमें लगता है कि जब सब कुछ चेतना ही है तो क्या है उससे निगाह उठाकर हम उसके होने पर फोकस करें तो हम सब जगह उसी चेतना को ही अनुभव कर रहे होते हैं, किसी विशेष अवस्था या प्रक्रिया की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। कृपया कुछ कहें। मैं समझता हूं कि प्रश्न में जो पूछी गई बात है वो ये है कि अगर हम उस एक चेतना के फ्लो को ही हर जगह देखें तो जो भिन्नता है, डाइवर्सिटी है और उसकी जो प्रक्रिया है उससे जो पीड़ा पहुंचती है, तुलना होने से जो समस्या होती है वो नहीं होगी। पहली चीज़, इसको हमको समझ लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको समझकर अपने हृदय में उतार लेंगे उतना ही हम अपने जीवन की पीड़ा से मुक्त होने लगेंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली भी समझें तो भी बहुत बड़ी बात है, और फिर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक दिन टोटल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, तब हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उस अवस्था में हम निष्प्रयास हो जाते, एफर्टलेस हो जाते। अभी जितनी भी अड़चन है वो इस भिन्नता को देखकर और किसी न किसी प्रकार की तुलना में पड़ जाने से, क्योंकि जब भिन्नता दिखती है तो व्यक्ति के अंदर उसके कम अच्छे, ज़्यादा अच्छे, बुरे या इस तरह के जितने भी भाव हैं, सकारात्मक नकारात्मक, वो सब सिर उठाने लगते हैं। सहयोगी असहयोगी, हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी, हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। और ये जो डिविसिवनेस है, विभाजन करने की वृत्ति है, ये हमारी जीवन शैली में प्रवेश कर जाती है। जितना ज़्यादा वो हमारी जीवन शैली में प्रवेश कर जाती है उतनी ज़्यादा हमको पीड़ा होती है। एक ही चेतना का अलग अलग अभिव्यक्त करने का ढंग है, उसके अलग अलग रूप हैं। इसको जब हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने इसको बौद्धिक रूप से ही समझा, इंटेलेक्चुअली ही समझा, कोई समस्या नहीं, तब भी आप एक ऑप्टिमम लेवल तक शांत होंगे। और जिस दिन आप उसको पूरी तरह समझेंगे, यानी कि जब वो आपके बीइंग में, आपके होने में उतर जाएगी, तब शांति आपका स्वभाव बन जाएगी, कोई अड़चन नहीं होगी। अभी हर जगह वही अड़चन है क्योंकि हम उस एक होने को नहीं देख पाते। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, जनक ने ये उदाहरण दिया लहर का, क्योंकि लहर के अनेक रूप बनते हैं, वो भी सागर की सतह पर ही हैं। लेकिन अगर सागर की सतह से हटकर भी हम एक उदाहरण देखें, आसमान में बादल घिरते हैं, बादलों में पानी इकट्ठा होता है, और जब बादल आसमान में तैरते हैं तो यूं तो बड़ी ऊंची बात लगती है, देखने में लगता है कि हम आसमान में सैर कर रहे हैं। उन बादलों में पानी वो बरसता है, बरसकर वो कहीं भी गिरता है, पत्थरों पे, पेड़ पौधों पे, मिट्टी में, छतों पर, लोगों के ऊपर, हर जगह, कोई भी भेद नहीं। पानी वही है जो बादलों में था, और फिर वही पानी कहीं किसी नदी में गिरता है, उसका हिस्सा बन जाता है, किसी नाले में गिरता है,
नाली में गिरता है उसका हिस्सा बन जाता है। तो जो पानी गिरा किसी पवित्र नदी का हिस्सा बना वो भी वही है, वही पानी है, और जो पानी किसी नदी नाले का हिस्सा बना वो भी वही है। उसके मौलिक गुणधर्म में कोई अंतर नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति इसको देखता है, इसको समझता है, इसको समझो कि वैज्ञानिक रूप से ही वो समझता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसे किसी भी पानी से, किसी भी जगह की व्यवस्था से कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई कंडमनेशन नहीं है, प्रशंसा आलोचना की कोई भाव नहीं उसके अंदर। ठीक है, पवित्र नदी में बहता हुआ पानी पवित्र है, लेकिन जो नदी नालों में गिरा वो अपवित्र नहीं है। वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं कि बस व्यवस्था की बात है, हम थोड़ी देर में उसको चाहें एक खास व्यवस्था से रिसाइकल कर लें, पानी वही है, स्रोत वही है। अब जो लोग स्पेस में जाते हैं, पता ही होगा मित्रों को, तो वहाँ पर उनकी यूरिन को रिसाइकल करने का सिस्टम भी लगा होता है। उनको खास ढंग से वहाँ यूरिनेट करना होता है और वही रिसाइकल होके उनके पीने का पानी बन जाता है, क्योंकि पानी की क्राइसिस है, पानी कहाँ से आना है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हटता है, पीने लायक पानी निकलता है। तो जो पानी आपने अपने अंदर डाला वो शरीर ने खास व्यवस्था से बाहर निकाला और हमने फिर से उसको एक खास व्यवस्था में डालकर पीने लायक पानी में बदल दिया, पानी एक ही था। तो जो उसको वैज्ञानिक रूप से भी देखेगा वो कहेगा इस पानी में और उस पानी में कोई अंतर नहीं, समान, कोई निंदा नहीं, कोई कंडेमनेशन नहीं। अब हम शांत हो सकते, क्योंकि जब जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा हो रहा है, जब जहाँ जैसी ज़रूरत है उस तरह से चेतना अपना रूप ले रही है और हर रूप किसी दूसरे रूप में बदलने की क्षमता रखता है, तो हम शांत हो सकते हैं। ये बात पानी और ऐसे उदाहरणों से देखेंगे तो लगता है कुछ बड़ी उपयोगिता वाली चीज़ है, लेकिन इसको आप दार्शनिक पहलू से भी देखें तब भी संबंधों का डाइवर्सिफिकेशन, संबंधों की भिन्नता वो भी ऐसी ही है। संबंधों का कोई स्टैटिक रूप बना देना, स्थायी रूप बना देना संबंधों को नष्ट कर देना है। स्थायित्व तो है संबंधों में भी, स्थायित्व तो है, वो उस एक चेतना के बहने का ही ढंग है। अब जो बूंद बादल से चली, जमीन, छतों, नदी नालों, नदियों से होती हुई गुजरी, उसके लिए क्या कहेंगे कि एक संबंध उसका बादलों से था, आसमान से था, बड़ा दिव्य जान पड़ता है, और वही जब उतरती है नीचे तो लगता है कि कहीं नीचे उतरना हुआ। अब बूंद ये ठान ले कि हमको तो वही रिश्ता चाहिए, वही संबंध चाहिए, तो वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, संबंधों में बदलाव आएगा, विचारधाराओं में बदलाव आएगा, लेकिन फिर वहीं से भाप उठेगी, जमीन से, नदियों से, सागर से, और फिर नए बादल बनेंगे। नए बादलों में भी जो पानी होगा वो उसी कंटिन्यूटी में होगा, नया है लेकिन कंटिन्यूटी में है। तो संबंध भी जीवंत तब होते हैं जब उसमें दोनों चीज़ें घट जाती हैं, बदलाव भी और सातत्यता भी, चेंज भी और कंटिन्यूटी भी। इस पर ऐसे ध्यान दिया नहीं होगा, इसको समझें गौर से। हमको चाहिए कंटिन्यूटी, क्योंकि जीवन में हमको सातत्यता, कंटिन्यूटी, निरंतरता चाहिए। तो कोई संबंध जब हमारे जीवन में होता है तो हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहे ऑल द टाइम। होती चाह कि नहीं सबकी है, बदले तो लोगों को परेशानी होती कि बदल गया व्यक्ति, बदल गया भाव, बदल गया संबंध, बदल गए। लेकिन अगर वो नहीं बदलेगा तो संबंध मर जाएगा, डिके होगा उसका। जो पानी तालाब में ठहरा रह जाए वो सड़ेगा, खत्म होगा।
फिर क्या हो, उसमें प्रवाह बहाव, बहाव होगा तो बदलाव होगा, बदलाव होगा तो एक नदी की तरह जीवन ऊर्जा बहेगी, या कहें कि मौलिक रूप से चेतना बहेगी। हमारे अनुभव में एक कंटिन्यूटी भी होगी, एक निरंतरता भी होगी, क्योंकि अगर आप किसी नदी के किनारे बैठें तो क्या कभी आपको लगेगा कि कोई पानी में बदलाव हुआ? वही धारा, वही कलकल बहती हुई जा रही, आपको लगातार वही अनुभव होगा। लेकिन जरा सा जागें तो क्या ये वही धारा, वही पानी है जिसको हमने अभी देखा? हमारे देखते देखते वो गया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, फिर नया नया, हमेशा नया हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवंतता के फ्लो में लगातार नया होता रहता है, लगातार उसके अंदर नई धाराएं, नई ऊर्जाएं बहती रहती हैं, तो उसकी जीवंतता बिल्कुल अलग किस्म की होती है और निरंतरता भी होती है, एज अ फ्लो, एक प्रवाह की तरह। और वो संबंध भी सबसे खूबसूरत होते, ऑलवेज रिफ्रेश। ऐसे तो सब चीज़ ढहती है। हम किसी भी चीज़ को बांधना जब चाहते हैं तो वो ढह जाती है। अब धर्मों की अगर बात देखें, अगर विचार विचार के तल पर देखें, एक विचार उतरता है, कोई उसको बांध लेना चाहता है कि सुंदर विचार है, इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी रिलीजन में, किसी कन्फाइनमेंट में हम बांध लें, फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसकी खूबसूरती धीरे धीरे डिके हो जाती है। खूबसूरती तभी होगी जब बहेगा। आज अगर तुम्हारे सामने गंगा बहती हुई दिखाई दे और बड़ी खूबसूरत, चाहे उसका बहाव कितना चौड़ा बड़ा भी हो, और तुम उसको बहने से रोक दो, तो कुछ दिनों में वो तालाब बन जाएगी, सूखेगी, सड़ेगी, सब खत्म होगा। और वो गंगा जो आज चौड़ी है, तेज है, कहीं जाकर बहुत पतली हो, छोटी हो, सकरी हो, उथली हो, लेकिन बह रही हो, तो तब भी वो जिंदा होगी और उसकी खूबसूरती का एक अलग ही ढंग होगा। आगे जाकर फिर वो अपना रूप बदलेगी। नदियों को देखें, ऐसा ही होता है, उनके रंग रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि वो फ्लो है। लाइफ में भी ऐसा ही है, जीवन में भी ऐसा ही है। चेतना का तो एक ही प्रवाह है, लेकिन हम अपने विचारों से, अपनी कंडीशनिंग, अपनी मान्यताओं से बहुत कुछ रोक देना चाहते हैं। रुका कुछ नहीं है। इंसान के साथ समस्या क्या है, देखें, बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। रुका कुछ भी नहीं है, हमारे रोके से भी रुकेगा नहीं, लेकिन हम अपनी मान्यता में रोक सकते हैं। तो अपनी मान्यताओं में हम टूटेंगे, बिखरेंगे, पीड़ित होंगे, बदलाव तब भी होगा। बदलाव को, बहाव को आप रोक नहीं सकते। चेतना का जो एक ही होना है वो कांस्टेंट फ्लो में है, वो उसका अलाइव होना है। तो हमेशा उस नए का स्वागत करें, उस बदलाव का स्वागत करें, रूपों को बदलने दें। किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आकांक्षा ना करें, किसी एक भाव की भी बहुत ज़्यादा आकांक्षा ना करें, अन्यथा आप उलझन में पड़ जाएंगे। जैसे अगर आप प्रसन्नता की भी बहुत ज़्यादा आकांक्षा कर लें तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उदासी आती है कभी तो उसको भी आने दें, कभी आपको निराशा आती है उसको भी आने दें, सामान्य रहें, नेचुरल रहें, जो भी आता है उसको आने दें। और अगर प्रसन्नता में जीने का आपका एक ढंग बन गया है तो थोड़ी थोड़ी देर में सब इधर उधर से घूमकर प्रसन्नता के उसमें ढल जाएगा, क्योंकि प्रसन्नता एक व्यापक गुण है, शांति एक व्यापक गुण है, हमारा आत्मिक गुण है, सोल क्वालिटी है, वो एक्सपेंडेड क्वालिटी है। लेकिन ऑल द टाइम अगर उसमें रहने की कोशिश करेंगे देन इट विल बिकम अनदर स्ट्रेस, और वो हमको परेशान करेगा। नए नए मेडिटेटर जो होते हैं, नए ध्यानी होते हैं, या जिनको वैसा अनुभव अभी गहरा नहीं घटा होता है, चाहे वो कितने भी वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हों,
वो इसी बात की बड़ी कोशिश करते हैं कि लगातार कैसे वो उस प्रसन्नता में, उस आनंद में, उस ब्लिस में बने रहें, जो कहीं उन्होंने पढ़ लिया है, सुन लिया है, कांस्टेंट ब्लिस। कांस्टेंट ब्लिस कैन किल यू एंड इट विल किल यू एब्सोल्युटली। अगर आप कांस्टेंट हैप्पीनेस में 48 घंटे भी चले जाएं, 72 घंटे जैसे मेडिकल में लगा देते हैं कि ऑब्जर्वेशन में 72 आवर अगर आप कांस्टेंट हैप्पीनेस में चले जाएं, आपका बॉडी माइंड कोलैप्स हो जाएगा। डिजाइंड नहीं है वो इसके लिए। हम ऐसी आशाएं बस करते हैं। अपने बदलाव के साथ हम निरंतरता को कायम रखते हैं। निरंतरता है जैसे हमारा चलना। तो चलना तो हम आगे चाहते हैं, चलने का मतलब आगे, लेकिन हमेशा एक पैर पीछे फेंकना पड़ता है चलने में। दोनों पैर आगे आगे चलाएंगे तो दोनों पैर टूटेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आज तक कोई इस चाल में चला नहीं कि आगे जाना है। अब आप तर्क करें कि भाई आगे जाना है तो पीछे पैर क्यों ले जाएं, कभी आपने देखा नहीं। आप देखें तो फिलॉसफी आएगी, फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। अभी तो नेचुरल है, आप चलते हैं, एक पैर पीछे गया, एक पैर आगे गया, एक पैर पीछे गया, आप चल गए। सुबह हुई, शाम हुई, सब बदलाव आया, और सब एक बदलाव के बीच एक कांस्टेंट चेतना का फ्लो चल रहा है। और अगर आप बहुत आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले हो जाएं, जो जैसे पॉजिटिव थिंकर थोड़े अब नॉर्मल हो जाते हैं, तो आपको लगे मुझे आगे ही जाना है, पीछे जाने वाली हर चीज़ को रोक देना है, तो आप अपने पीछे जाने वाले कदम को भी रोकेंगे। देन यू आर फिनिश्ड, आपका चलना बंद। क्योंकि वो आप आविष्कार नहीं कर पाएंगे कि बिना पैर पीछे ले जाए चलें। तो आपकी भाव दशाओं में भी ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी माइंड कंबाइंड है। बॉडी जो है ये पूरा शास्त्र है। इसको अगर देखेंगे तो जो जो इसमें होता है वही वही मन में भी होता है, और मन आपकी भावनाओं को भी कंटेन करता है। तो जैसे ये चलने में आगे पीछे की प्रक्रिया होती है, ऐसे मन में भी, आपके भावना जगत में भी प्रसन्नता है तो थोड़ी ग्लूमीनेस में जाएगी, हैप्पीनेस थोड़ी ग्लूमीनेस में जाएगी, तो फिर वो और उभर कर आएगी। हर भाव का एक विपरीत भाव उभरेगा, उभरेगा तो उसको और ताकत देगा। इसीलिए भारत में हम एक तीसरी चीज़ की भी बात करते रहे हमेशा, कि प्रसन्नता जैसे है तो प्रसन्नता इंग्लिश में कहें हैप्पीनेस, तो हमने आनंद शब्द का उपयोग किया, प्रसन्नता का ज़्यादा नहीं करते। प्रसन्नता तो अप्रसन्नता, आनंद का कोई हम विपरीत शब्द नहीं रखते। तो प्रसन्नता अप्रसन्नता के फ्लो में कांस्टेंट बना रहता है आनंद, और आनंद है शांति जैसा, कूल। जैसे आगे पीछे चलते हुए पैरों में जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो क्या है, वो चलने की, मूवमेंट की, मूवमेंट की कंटिन्यूटी बनी है। लेकिन कुछ चीज़ें आगे भी हैं, कुछ चीज़ें पीछे भी हैं। तो कभी कभी आपके अंदर प्रसन्नता और अप्रसन्नता का फ्लो चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी बनी है आनंद की। आनंद इनएक्सप्रेसिबल, ऐसा नहीं जैसा उसको समझते हैं कि नाचे गाएंगे तो आनंद होगा, रोएंगे तो आनंद नहीं होगा। ये भी कंसेप्ट। कभी कभी आनंद में रोना भी घटता है, कभी कभी आनंद में आंसू भी घटते हैं, ठहराव होता है, बोलना होता है, मौन होता है, वो इनएक्सप्रेसिबल है, अपरिभाष्य है, अनिर्वचनीय है। उसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, हमारी परिभाषाओं में नहीं ढाला जा सकता। अब चेतना का यही एक ढंग अगर हम देखें कि भिन्नताएं हैं, चाहे वो व्यक्तियों के रूप में हों, विचारों के रूप में हों, भावों के रूप में हों, स्थितियों परिस्थितियों के रूप में हों, वो सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन उनके बीच में एक फ्लो है कांस्टेंट। तो हमको उस पर ही ध्यान रखना है। अगर हम वैसा रख पाएंगे तो वही हमारे लिए मुक्ति होगी। तो पहले बात को समझते रहें और उसको अपने हृदय में उतरने दें। धीरे धीरे वो वक्त भी आएगा जब वो पूरी तरह टोटली हमारी बींग में उतर जाएगी, तब कोई समस्या नहीं।